हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड में होगी 1000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जल्दी ही आपकी ये अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है उत्तराखंड में। देखिए, 1000 अतिथि शिक्षक बहुत होते हैं और इनका भी वेतन बढ़ा दिया गया है, मानदेय बढ़ा दिया गया है। अतिथि शिक्षकों का पहले जो मिलता था उससे अब 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखिए, उत्तराखंड में 1000 अतिथि शिक्षक की भर्ती होने जा रही है। इससे संबंधित मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हमेशा आपको देते रहता हूँ, शिक्षक भर्ती से लेकर और जितने भी विज्ञापन निकलते हैं किसी भी प्रकार के, उत्तराखंड में सारे विज्ञापनों की जानकारी आपको प्रोवाइड होती रहती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखिए, इसमें क्या गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है, सरकारी माध्यमिक स्कूलों में LT और प्रवक्ता के कैडर के रिक्त 1000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गुरुवार को यमुना कॉलोनी में स्थित अपने कैंप कार्यालय में विभागीय समीक्षा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए। इस बार विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। सभी की नियुक्ति पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में की जाएगी। सभी CEO को अपने जिलों में, देखिए यहाँ पर ये तीन विषय दे रखे हैं मगर और भी अधिक भर्ती हैं, और भी आपके जो भी पद खाली हैं उनके लिए भी भर्ती होगी। ये खाली तीन पद ले रखे हैं मगर अधिकतर भर्ती जो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर किसके रखे जाएंगे, विज्ञान के, गणित के और अंग्रेजी के रखे जाएंगे। बाकी शिक्षकों का क्या होगा, उनके थोड़े कम पद होंगे और विषयों के क्या होंगे, कम पद होंगे और इन तीन विषयों के पद अधिक होंगे, क्योंकि ये पद खाली हैं ज़्यादा, तो इनके पद ज़्यादा निकलेंगे, बाकी विषय के पद कम निकलेंगे। इसलिए इसमें कहा गया है, तीन विषय के मुख्य रूप से इन पदों पर महत्वपूर्ण से रूप से भर्ती होगी। सभी की नियुक्ति पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम स्कूलों में की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है, सभी CEO को अपने जिले में रिक्त पदों की रिपोर्ट जल्द माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट निर्देश दिए भी दिए गए हैं। इसमें कहा गया है, अभी आगे देखते हैं। दिल्ली से लौटते ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की कमी को दूर करने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्व में कैबिनेट राज्य में 5200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी। पूरे देखिए, भर्ती चल रही है, उसमें आपके जितने भी पद हैं, आपके LT के हो गए, प्रवक्ता के हो गए, जो आपके स्थायी पद होंगे, और आपके इन राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद हो गए, माध्यमिक शिक्षा में भर्ती हो गई, ये आपके सब टोटल कितने पद हैं, 5200 पदों पर ये भर्ती चलेगी। कुछ पदों पर चल रही है और कुछ पे ये विज्ञापन निकाला जाएगा। इसमें आगे कहा गया है, दे सकते हैं आप शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। वर्तमान में राज्य में केवल 4200 अतिथि शिक्षक ही तैनात हैं, शेष 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैठक में शैक्षिक गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया। बैठक में अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु, MM सेमवाल निदेशक, SCRT वंदना अग्रवाल निदेशक, महावीर सिंह विष्ट, APD समग्र शिक्षा अभियान, डॉक्टर मुकुल सती, विकास श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भर्ती का अतिथि शिक्षकों ने किया विरोध। देखिए, जो भर्ती है उसमें अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया है। जो वर्तमान में अतिथि शिक्षक हैं उनका क्या कहना है, देखिए, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने 1000 भर्ती के फैसले का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा है कि ये 9 साल से शिक्षण कार्य में लगे हैं, अतिथि शिक्षक के साथ अन्याय है। सरकार ने इन अतिथि शिक्षकों के पदों को अभी तक सुरक्षित नहीं किया है, उसके बावजूद भी अब नए अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है, इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि 4200 अतिथि शिक्षक ही तैनात हैं उत्तराखंड में। वर्तमान में कितने हैं, 4200 तैनात हैं, 4200 लोग तैनात हैं। आगे इसमें कहा गया है, शिक्षा मंत्री ने डी श्रेणी में आने वाले जारदार स्कूलों की मरम्मत में ढिलाई पर भी नाराज़गी इसलिए जताई क्योंकि उसमें जो भी स्वच्छता, उसका जो जार्जर पड़े हैं उनको अच्छी तरह से करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि आप अपने
स्कूल में जो भी भवन आपके दारिद्र अवस्था में हैं उनका पुनर्निर्माण कराइए, लेकिन अभी तक उनका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। देखिए इसमें आगे क्या गया है, देखते हैं। आपकी ये 1000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, और इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इन शिक्षकों को कहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी, इन शिक्षकों को जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे शिक्षकों को जो दुर्गम इलाके में शिक्षकों की कमी है वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो दुर्गम क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं वो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनको ड्यूटी वो चाहें कि हम यहाँ पर करेंगे सही क्षेत्रों में, तो उनको ऐसा नहीं किया जाएगा, उनको दुर्गम क्षेत्र में ही तैनाती दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।